प्यार में एक दिन मेरी जान तुझे है पाना। हाय, माय नेम इज अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड। आई रियली होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम आपके लिए एक और क्लासिक सीरीज, हमारी जो क्लासिक सीरीज है लेसन्स की, उसमें एक और लेसन लेके आए हैं जिसमें हम ऐसे गाने चूज करते हैं जो गाने जाने जाते हैं अपने गिटार पीसेस के कारण या गिटार प्लेइंग के कारण। तो आज का गाना है ओ जाने जाना और इट इज़ संग बाय कमाल खान। और कहीं ना कहीं जब भी गिटार सीखना आपने स्टार्ट किया होगा, नो डाउट अगर आपने खुद से ये गाना नहीं सीखा होगा तो किसी ना किसी ने ज़रूर पूछा होगा आपसे कि यार ये टिंग टिडिंग टिंग ये वाली ट्यून बजानी आती। तो उसी लिए हमें लगा कि ये गाना भी आप लोग को आना चाहिए और प्रॉपर आपको इस गाने का एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। तो इस गाने में हम आपको जो ये सिग्नेचर पीस है ना, इसका इंट्रो है, उसकी भी लीड्स आपको प्रॉपरली अलग से सिखा रहे हैं तो आप उसको भी अच्छे से बजा सकते हैं। और उसके अलावा जो कॉर्ड्स हैं वो मैं नहीं कहूँगा कि बिगिनर के लिए बहुत फ्रेंडली हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से प्ले कर सकते हैं। एफ मेजर का यूज़ ज़रूरी है इस गाने में और अगर इसको हम कैपो लगा के करेंगे तो फिर जस्टिफाई नहीं हो पाएगा ये गाना। इसकी वजह से हम लोगों ने इसको नॉर्मल बिना कैपो के ही प्ले किया है। स्ट्रमिंग के भी 2-3 लेवल्स हैं गाने में जो आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों का सपोर्ट हमारा मोटिवेशन, जैसा कि हमेशा से ये हमारा नारा रहता है, तो वो सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और देखिए बहुत सारे लेसन ऐसे होते हैं जो छूट सकते हैं आपसे, है ना, और आपको पता ही चलेगा अच्छा इस गाने का लेसन कर चुके हैं। जैसे हमने डूबा डूबा का लेसन किया हुआ है फिर भी हमें नीचे कमेंट में आता है कि डूबा डूबा का लेसन चाहिए, तो इसलिए जो बेल आइकन है वो दबाना मत भूलिए। यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन ज्वाइन मी लाइव एज वेल। एवरी सैटरडे हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं जिसमें आप अपने गिटार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मुझे आएगा तो मैं ज़रूर से हेल्प करूँगा। एंड जॉइन द टेलीग्राम थ्रू द लिंक बिलो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। एफ मेजर है तो कभी ना कभी तो बजाना ही है, तो हो सकता है इस गाने की वजह से ही बजा लें। तो इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रो के बारे में, जो आइकॉनिक ट्यून है इस गाने की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जहाँ से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। देखो कौन कौन से फ्रेट हम लोग इस गाने में यूज़ कर रहे हैं। मेनली वी आर वर्किंग विद द 5, 7, 9 भी एक दो बार यूज़ हुआ है। अदरवाइज हमारा जो मेन वर्किंग एरिया है वो ये वाला, ये 4 फ्रेट है। ठीक है, कौन कौन से? 4, 5, 6, 7। तो फिंगर्स को इस तरीके से आपको अरेंज करना है कि आपका ए फिंगर शुड बी अराउंड 4, देन बी, देन सी एंड देन डी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट फ्रेज से स्टार्ट करते हैं। तो पहला फ्रेज कुछ ऐसा साउंड करता है। आप इसको कैसे प्ले करना है? आप इसको तोड़ देंगे 1, then 2 एंड देन 1 अगेन। ठीक है, मैं ये पार्ट्स में बता रहा हूं। टेक्निकली मैंने फ्रेट के हिसाब से प्रेस किया है 7, then 7 and then 5। सो जब आप इसको बैक टू बैक रखेंगे, यू हैव टू कीप इन माइंड दिस फ्लो, पा 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 पा। ओके, सो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज अ ग्रुप ऑफ 3 sounds, 3 notes विच इज, तो इसमें मैंने प्रेस किया 7, 5, 5। 7 है 3rd string पे, देन 5 2nd string एंड देन 5 again on 3rd string। सो एक साथ आप प्ले करते हैं दोनों फ्रेजेस को। सो फ्लो शुड गो पा 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 वा। ठीक है, लाइक 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3। ओके, सो इट विल गो 1, 1, 2, 3, then 1, 2, 3। ठीक है, बार बार प्ले करेंगे, थोड़ा सा फ्लो बनाएंगे। ठीक है, अगर पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखें और बार बार ट्राई करें, आराम से हो जाएगा। अब आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। तो एक स्लाइड से स्टार्ट होगा ये, जैसे अभी हमने प्ले किया, अब हमने 5 पे खत्म किया था, 3rd string के 5 पे खत्म किया था। जो नेक्स्ट ट्यून है उसके लिए, नेक्स्ट जो पार्ट है ट्यून का, उसके लिए हम स्लाइड करेंगे 5 से 7। ओके, 5। ठीक है, स्लाइड क्या होता है? आपको 5 पे ही जो हिट किया है, जो प्रेशर मेंटेन किया है, उसी को ही
कैरी करना है 7 तक. सो इट विल गो, तो एक बार तो 5 हिट करेंगे, स्लाइड करके 7 पे पहुंचे और फिर एक बार 7 फिर से हिट करना है. सो टुगेदर इट विल साउंड ओके. सो 5 टू 7 देन 7 देन आप आगे जाएंगे 9 पे और मैंने प्ले किया 4th स्ट्रिंग के 9 और 7. सो एक साथ प्ले हुआ ओके. फिर से देखते हैं. अब इसके आगे वाला जो पार्ट है इसमें 2 वेरिएशंस है. एक वेरिएशन तो है उसमें आप प्ले करेंगे, तो मैंने क्या किया 4 double 5 स्लाइड करके 7 से 5 पे दो, तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा और मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिएगी इसको प्रिसाइजली ट्यून में बैठाने के लिए. बट इसको थोड़ा इजी कर सकते हैं हम लोग. तो हम लोग क्या करेंगे है ना, ये पार्ट सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए बता दिया है बट आप सही में प्ले करेंगे. हमने किया 5 से 7 स्लाइड देन 9 7 देन 9 अगेन ऑन द 4th स्ट्रिंग 7 4 5. तो एक साथ आया ठीक है 9 7 9 7 5 लाइक दैट. एक बार और कर रहा हूं 5 से 7 स्लाइड देन 7 देन 9 7 9 7 5 ठीक है. तो फ्लो क्या है टारा 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 डा टारा 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 डा ओके. नेक्स्ट पार्ट तो इसको कैसे याद करेंगे, पहले 2 नोट्स हैं 5 ऑन 4th स्ट्रिंग देन 2 नोट्स 3rd स्ट्रिंग 4th फ्रेट. सो टारा टारा देन टेक अ ब्रेक छोटा सा एंड देन अगेन 2 double 4. सो टारा 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 बट इस बार जो दूसरा 4 है ना उसको थोड़ा लंबा स्ट्रेच करेंगे. सो टारा 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 एंड देन लास्ट में एक और 4. वन मोर टाइम ओके टारा 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 देन द लास्ट पार्ट विच इज सिमिलर टू द फर्स्ट फ्रेज ऑफ द ट्यून जो हमने किया था देन ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है ना. आप बताओ ये तो बहुत ही ऐसा नहीं है बट इसका स्पीड ऐसा रहेगा ठीक है. तो मैंने क्या किया 3rd स्ट्रिंग पे हमने स्टार्ट किया 7 9 5 7 4 5 एंड देन 5 ऑन द 4th स्ट्रिंग. सो 7 9 5 7 4 5 5. सो काउंट लाइक 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1. अब इसको बार बार में बार बार प्रैक्टिस करके उसको फ्लो में लेके आना है. तो लास्ट जो फ्रेज है वो ऐसा साउंड करेगा ओके. थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट एक साथ करेंगे तो हो जाएगा. अब पूरा ट्यून एक साथ प्ले करके देख लेते हैं. So this is how you will play the signature iconic part of this song. I hope you will play it और बहुत show off करेंगे कि हमें गिटार में play करना आता है. उसका video बना के हमें tag करेंगे Instagram पे और आज का word है nostalgia. इस गाने का जो scale है वो A minor scale है and A minor is considered as like the easiest minor scale. Why? बिकॉज आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ ए से ए तक अल्फाबेट बोलनी है. ए बी जी सी ए बी सी डी ई एफ जी ए. सो इसको हम बोलते हैं ए माइनस स्केल. प्ले करने के हिसाब से अगर देखते हैं तो दिस इज हाउ वी प्ले ए माइनस स्केल. ए बी सी डी ई एफ जी ए ओके. आप अगर कॉर्ड्स की बात करें तो गाना स्टार्ट हो रहा है 1 कॉर्ड से. सो दैट इज ए माइनस. देन नेक्स्ट कॉर्ड अच्छा ए माइनर. आई होप आप लोग को प्ले करना आता होगा. दिस इज हाउ वी प्ले ए माइनर. यू कैन सी इन द डायग्राम इज वेल. दूसरा जो कॉर्ड जा रहा है वो है हमारा 7वां कॉर्ड ऑफ द स्केल दैट इज जी. एंड दिस इज हाउ वी प्ले जी ओपन कॉर्ड. इसमें आप चाहें तो ये नीचे के दोनों फिंगर्स भी लगा सकते हैं तो भी ये जी मेजर कॉर्ड ही रहेगा.
नेक्स्ट कॉर्ड जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज ई माइनर कॉर्ड विच इज द फिफ्थ कॉर्ड ऑफ द स्केल एंड वन ऑफ द इजिएस्ट कॉर्ड ऑल्सो. नेक्स्ट कॉर्ड विल बी द शुड आई से क्रक्स ऑफ दिस लेसन इज एफ मेजर. ठीक है, तो एफ मेजर के लिए कैसे कैसे करना है, अगर आप बिना बात के लगा रहे हैं तो इंडेक्स फिंगर से नीचे के दो स्ट्रिंग प्रेस करेंगे, देन मिडिल फिंगर ऑन द थर्ड स्ट्रिंग एंड देन लिटिल फिंगर ऑन द फोर्थ एंड रिंग फिंगर ऑन द फिफ्थ एंड दिस इज हाउ यू प्ले एफ मेजर कॉर्ड. एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज द थंब टू प्रेस फर्स्ट फ्रेट ऑफ छठा स्ट्रिंग ऑल्सो. ठीक है, अगर आप बार के साथ प्ले कर रहे हैं तो फर्स्ट पे बार आएगा एंड जो बची हुई फिंगर्स है वो अपनी अपनी जगह ले लेंगे. दिस इज हाउ यू प्ले एफ मेजर कॉर्ड. नेक्स्ट कॉर्ड जो गाने में यूज किया है दैट इज डी मेजर कॉर्ड. अब ये जो है एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा. डी मेजर नॉर्मली इज नॉट द पार्ट ऑफ द ए माइनर स्केल, बट जैसा कि मैं पहले भी कुछ वीडियोज में बोल चुका हूँ कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मेलोडी, कि कॉर्ड फैमिली से बाहर जाके भी कॉर्ड्स यूज में लिए जाते हैं. सो डी इज वन ऑफ दोज कॉर्ड फॉर दिस सॉन्ग. सो डी मेजर भी हम लोग इस गाने में यूज करेंगे and the next chord will be the C major chord. ठीक है, तो ये दो chords और use किए हैं. इसके अलावा एक बार के लिए गाना जहाँ पे second verse खत्म होता है वहाँ पे हम E major का भी use कर रहे हैं. And this is how you play E major. सिर्फ एक उंगली का फर्क होता है E minor और E major में. तो इस तरीके से आप E major play करेंगे. तो ये सारे chords जो हैं हम लोगों ने use किए हैं, तो total chords हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, 7 कॉर्ड यूज में लिए हैं हमने इस गाने में. तो थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा लगेगा बट आई एम श्योर दैट यू कैन डू इट. है ना, अभी तक सीखते सीखते इतना तो एंथू और मोटिवेशन आ गया है कि निपटा सकते हैं हम ये गाना. अच्छा, कैपो की अगर बात करें तो आई वोंट रियली रिकमेंड दैट यू यूज कैपो फॉर दिस सॉन्ग, बट अगर फिर भी करना है बिकॉज ऐसा है कि कैपो भी लगाएंगे ना तो ये जो डी मेजर वाला जो कॉर्ड है, सी मेजर वाला जो कॉर्ड है, उसके लिए आपको भैया एफ की शेप यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी. तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई सेंस है कि आप यहाँ पे एफ अवॉइड करने के चक्कर में यहाँ पे सेम शेप लगा रहे हैं. फिर क्यों ना गाने का जो ओरिजिनल टोन है वो बरकरार रखा जाए. फिर भी अगर आपको कैपो लगाना ही है, ठीक है, और आगे वाला पार्ट नहीं प्ले करना है, तो जस्ट फॉर द सेक आई एम गिविंग यू एन आइडिया. फिफ्थ पे कैपो आएगा, सो फर्स्ट कॉर्ड विल बी ई माइनर जो सही में ए माइनर है. फिर जो जी मेजर है वो हो जाएगा डी मेजर. ठीक है, नेक्स्ट जो कॉर्ड था हमारा ई माइनर वो अब हो जाएगा बी माइनर. और नेक्स्ट जो कॉर्ड था एफ मेजर वो हो जाएगा अब सी मेजर. तो मेन ये कॉर्ड तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप बजा लोगे, बट जब हमें लगाना है डी मेजर, तो डी मेजर के लिए मेरे को लगाना पड़ेगा इसमें डी मेजर कहां बनेगा. डी मेजर बनेगा, ये हो गया हमारा ये ए मेजर. सो डी मेजर के लिए हमें लगाना पड़ेगा ये कॉर्ड, ये ए मेजर. सो ए मेजर विल बी योर डी मेजर. ठीक है, और जो सी मेजर है उसके लिए आपको एफ लगाना ही पड़ेगा. हाँ, एफ ही होगा, नहीं नॉट रियली. एफ सी के लिए आपको लगाना पड़ेगा, नहीं यार तो ठीक है, यू कैन वर्क विद इट. सॉरी, माय कैलकुलेशन वेंट बैड. ठीक है, सो बेसिकली ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर, बी माइनर, ए मेजर. ठीक है, सो इफ यू वॉन्ट यू कैन वर्क विद दिस एज वेल. अगर आपको लगता है तो यूज कीजिए, बट आई वोंट रिकमेंड यूजिंग कैपो फॉर दिस सॉन्ग. स्ट्रमिंग पैटर्न जो है गाने का वो वन ऑफ द कॉमन स्ट्रमिंग पैटर्न जैसा ही है, बट क्योंकि इस गाने में थोड़ा सा मैंने इसको चप करके भी प्ले किया है तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी. जो टेम्पो है वो हमने चूज किया है 101. ठीक है, अब पहले बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न बता देता हूँ जो मैं इस गाने में यूज़ कर रहा हूँ. तो इट इज़ गोइंग टू बी डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन. बहुत ईजी स्ट्रमिंग पैटर्न है और बहुत सारे गानों में हमने यूज़ किया है. 101 पे ऐसा साउंड करेगा.
ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या किया है, इसमें है ना चक ऐड कर दिया। तो चक ऐड जब करेंगे तो द पैटर्न विल गो सो डाउन डाउन चक अप डाउन चक डाउन डाउन चक अप डाउन चक। बट अब कैच ये है कि जब मैं प्ले कर रहा हूँ प्रॉपरली गाने में तो मैं बहुत सारे फिलर्स भी यूज़ कर रहा हूँ, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ आई एम नॉट अ बिग फैन टीचिंग फिलर्स। वाई? बिकॉज मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि अगर आपको फिलर्स बोल के समझाए जाएँ या बताए जाएँ तो आप ओरिजिनल स्ट्रमिंग पैटर्न को भी चेंज कर देंगे और वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। तो प्लीज़ ट्राई हार्ड कि आप नॉर्मल स्ट्रमिंग पैटर्न को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि ऑटोमेटिकली आपके हाथ जो है वो अलाउ करेंगे आपको टू फिल द गैप, है ना। सो अगर मैं फिलर्स के साथ प्ले करता हूं तो इट विल गो ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि मैं पंप भी कर रहा हूं, चक भी कर रहा हूं, इसी वजह से ये थोड़ा सा जो ये है ना ये एक रश वाला फील आता है कि हाँ यार गाने में एकदम से एनर्जी आ गई है। तो उसके लिए ये दो तीन ट्रिक्स हैं जो आपको आनी चाहिए। तो पंपिंग क्या है, जैसा कि पहले भी दो तीन वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, पंपिंग इज लाइक स्क्वीजिंग, दैट यू आर स्क्वीजिंग द कॉर्ड लाइक प्रेसिंग इट देन लूजिंग इट, ठीक है। और चक इज अ डाउन स्ट्रोक विद योर पाम क्रैशिंग ऑन द स्ट्रिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और मेट्रोनॉम में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और यू विल बी एबल टू प्ले दिस। तो गाने का जो मेन कॉर्ड सीक्वेंस है ना वो इस तरीके से काम कर रहा है, ए माइनर, जी, ई माइनर, एफ और जी आधा आधा। तो पहले आप इसका स्ट्रमिंग के साथ प्रैक्टिस कीजिए, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ए माइनर डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन जी डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन देन ई माइनर डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन देन एफ डाउन डाउन जी पे अप डाउन डाउन लाइक दैट, ठीक है। तो इसको बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा फैमिलियर होगा, थोड़ा ईज में आएगा, फ्लो बनेगा, फिर गाना स्टार्ट करेंगे। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना टन 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 सो पूरे इस वाले पार्ट में यही सीक्वेंस चलेगा। दूसरा जो सीक्वेंस है वो उसमें एक तरीके से आधा आधा ही चल रहा है सब कुछ, है ना। कैसे? मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। तो क्या प्ले किया मैंने, ए माइनर, जी, ई माइनर, देन एफ से स्टार्ट होगा, एफ, जी, ई माइनर एंड एफ, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, मैं एक बार वर्ड टू वर्ड बताता हूँ। जैसे मेरा पे ए माइनर, अब मेरे मेरे पे जी, ख्यालो ई माइनर की रानी, रानी इज एफ, किसी इज एफ अगेन, दिन बने इज जी, हमारी ई माइनर अगेन कहानी, ओके। देन वी मूव फॉरवर्ड टू डी मेजर। ये जो कॉर्ड है ना ये स्केल का कॉर्ड नहीं है, नॉर्मली ए माइनर स्केल में डी माइनर कॉर्ड आता है, बट यहाँ मेजर हो गया, तो एक क्या कहते हैं अच्छा कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा आपको। सो ई मेजर, फिर वही सेम स्टार्ट हो जाएगा।
जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। सनम मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। ऐ मेरी बेखुदी ये कसम मैंने ली प्यार में, एक दिन मेरी जान तुझे है पाना। ओ ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। ओ ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए हाँ जिंदगी में आना सनम। तो कैसा लगा आपको ये लेसन, प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर से बताइए। और ये भी बताइए, क्योंकि ना देखो अनलिमिटेड सॉन्ग्स हैं, है ना, तो ऐसा नहीं कि हम सारे सॉन्ग्स का लेसन कर सकते हैं, बट वी वुड रियली रिकमेंड अगर कोई पर्टिकुलर सॉन्ग अगर ट्रेंड कर रहा है और आप लोग हमें नीचे कमेंट्स के थ्रू बता रहे हैं, तो हम पूरा ट्राई करेंगे कि वो भी आपको दे पाएँ। एक आप लोगों से सजेशन चाहिए, आदत सुना है ना, आदत ऑफकोर्स सबने बजाया भी होगा, उसके ऑलरेडी कुछ लेसन्स हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा है कि जो आतिफ असलम वाला आदत है वो उतना पसंद नहीं है। जल बैंड वाला एक आदत का दूसरा वर्जन है, माना बिखरा हूँ, प्लीज़ लिसन दैट सॉन्ग एंड लेट मी नो कि हम उसका लेसन करें तो चलेगा क्या, ठीक है। और प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ही आदत, प्रैक्टिस की आदत को ही आदत, प्रैक्टिस को अगर आदत बना पाएंगे तो ही आदत बजा पाएंगे, ठीक है। और ये गाना जो है वो आप अच्छे से प्ले कर ही लेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एज वेल। एंड इंस्टाग्राम हैंडल क्या है मेरा बोल के बताएं? हाँ, माई गिटार मेथड्स नाम से ही इंस्टाग्राम पे है, तो आप मुझे वहाँ पे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग लाइव सेशन रखते हैं जिसमें आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। और बाकी हमारी टेलीग्राम अकेडमी तो है। तो तब तक कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।